याद है जब मैं पहली पहले पहले कश्मीर जाता था तो मेरी इतनी तबीयत खराब होती थी। अब तो बहुत सालों से मुझे वहां आने नहीं दिया, मगर अब जाऊंगा और माँ को लेके जाऊंगा। माँ बार बार बोलती है नितिन जी और आप मुझे बताना कि कब जाऊंगा। माँ को माँ बार बार मैंने कब कैसे थे कि आप जा सकते हैं तो जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिविटी। मे बी मेरी जनरेशन को, शायद इधर बैठे कुछ जनरेशन को इसका बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके आने वाली जनरेशन को, उनकी आने वाली जनरेशन, आज से 50 साल बाद पूरा कश्मीर जो है सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं से जमा होगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ऐसा होगा, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा हूं जिसकी पूरी महीने की तनख्वाह 90 रुपए थी, जो पढ़ाई में 38% से ज्यादा किसी ने मार्क्स ही नहीं लिए थे किसी भी एग्जाम में, जो खेल कूद में बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक दिन मुझे दौड़ता हुआ देखकर मेरा पीटी टीचर बोला, रुक जा तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। लेकिन आज मेरे पिताजी का नाम पुष्करनाथ था, पुष्करनाथ जी का नाम मैंने दुनिया में मशहूर कर दिया। अब मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता, 99% लेता। कभी पुष्करनाथ जी का नाम इतना ज्यादा मशहूर होता, कभी कभी ट्रेजेडी जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। हम नहीं चाहते कि ऐसा होता, नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि उम्मीद पर दुनिया जीती है, पॉजिटिविटी पर दुनिया जीती है। ऐसा वक्त आएगा, शायद हमारी फोटो लगी होगी तब, लेकिन वो बोलेगा पोता मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत की है, या मेरे नाना जी ने बहुत मेहनत की है मुझे कश्मीर तक लाने के लिए। मैंने क्यों बताया, याद दिलाया क्लर्क के बेटे का, कि आज मैं कह सकता हूँ फख्र के साथ, वरना जब मैं बॉम्बे आया था ये तो बड़ी डिग्निफाइड वर्ल्ड लुक है, लेकिन जब मैं 81 में नितिन जी कश्मीर शिमला से बॉम्बे गया था तो आधे बाल यहाँ से जा रहे थे, आधे यहाँ से जा रहे थे।